अब दो और फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। इनके बारे में भी आप थोड़ा जल्दी से देख लो, इनका भी आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। और होता क्या है इनमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन है, अगर आप इक्वेशन से समझो उसको, नॉर्मली अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है कि वेरिएबल एक्स होता है, उसकी पावर कोई कॉन्स्टेंट नजर आता है आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है कि जो बेस है वो आपको कॉन्स्टेंट नजर आती है और पावर जो है वो वेरिएबल नजर आता है। तो ये होती है एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। बेस में ए कॉन्स्टेंट है और एक्स क्या है यहां पे, एक वेरिएबल है। ए जो है वो पहली बात नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगा, वो फिर ऑसिलेट ही कर रहा होगा। तो ए नेगेटिव नहीं हो सकता, ए क्या हो सकता है, पॉजिटिव रियल हो सकता है। कुछ भी पॉजिटिव रियल आप यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है। और ए जीरो भी नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई मैंने जस्ट पॉजिटिव की बात बोली है। और पॉजिटिव रियल नंबर में वन भी आता है, लेकिन ये वन नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि वन पे आपको एक्सपोनेंशियल नहीं मिलेगा, वो तो कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव ए होना चाहिए कुछ भी, और वन नहीं हो सकता वो। इसको आप सिंपल क्या कहते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप ड्रॉ करने की बात करो तो इसका ग्राफ इस टाइप का बन रहा होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का, उस वक्त जब ए जो है वो आपका ग्रेटर देन वन। अगर आप ए ग्रेटर देन वन कुछ पुट करोगे ना तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। अगर आपका ए जो है ये एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे होते नहीं है, थोड़ा और उनका स्लोप हाई होता है। आप अगर ग्राफ में बनाओगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पिक्चर कैसी होती है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना एक्सपोनेंशियल का, ये उस वक्त बनेगा जब आप ए वन और जीरो के दरमियान पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, 10 की पावर x, तो आपको इस टाइप का मिलेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन अगर आप पुट करो f of x equal to 0.5 की पावर x, 0.2 की पावर x, मतलब जो a है वो आपका 0 और 1 के दरमियान आप कुछ भी पॉजिटिव पुट कर रहे हो, तो फिर एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। जब आप ये ग्राफिंग ऐप में बनाओगे तब भी आप इसको देख लोगे। इनमें फर्क ये होता है, a की वैल्यूज पे फर्क होता है। अगर जितनी a की ज्यादा वैल्यू होती है तो आपको यहां पर थोड़ा स्टीप नजर आता है, यहां पर थोड़ा जल्दी डिक्रीज कर रहा होता है, इस टाइप की चीजें आपको नजर आ रही होती है, तो 19-20 का फर्क होगा, लेकिन जो शेप है वो तकरीबन इस टाइप की आपको एक्सपोनेंशियल में नजर आती है। मजीद अगर आपने खेलना है तो आप ग्राफिंग ऐप यूज करो, उसमें आप थोड़ा चेंज वेंज ए की वैल्यू करके देख लो क्या क्या फर्क पड़ रहा है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप इसकी डोमेन की बात करो तो आप कुछ भी इनपुट कर दो, यहां पे नेगेटिव एक्स भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव एक्स भी पुट कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन इसकी सब रियल नंबर है। अगर आप रेंज की बात करो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, जीरो कभी नहीं आ सकता। आप किसी भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 की पावर आप कुछ भी कर दो, पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, जीरो कर दो, कभी भी इसका आंसर जीरो के बराबर नहीं आएगा। 2 की पावर एक्स का आंसर हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, ना नेगेटिव आएगा ना जीरो आएगा। और आप ग्राफ से भी देख सकते हो जीरो से ऊपर है, जीरो पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, जीरो से ऊपर रहता है। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल की जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। और आपको एसिम्प्टोट मिलता है, एसिम्प्टोट अगर आप देखो आपको एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल रहा है, ठीक है, इस वाले केस में भी देख सकते हो, इस वाले केस में भी आप देख सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस है यहाँ पे, मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको वाई इज इक्वल टू जीरो पे एसिम्प्टोट मिल रहा होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है अगर आप ऑब्जर्व करो, 0,1 होता है, मतलब ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं। तो किसी भी नंबर की पावर अगर आप जीरो करो तो आंसर क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। एक्सेप्ट जीरो की पावर जीरो जो है वो इंडिटर्मिनेट हो जाता है। जीरो के अलावा अगर ए की कोई भी वैल्यू हो और उसमें अगर आप पावर जीरो करो तो आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया। तो एक्सपोनेंशियल के बारे में बेसिक बातें बता दी। हाँ, अगर ए कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है ना, तो अगर आप यहां पर ई पुट करोगे तो फिर उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ई भी एक कॉन्स्टेंट है ना, ऑयलर नंबर, 2.71 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो उसको आप बोल दो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी कैलकुलस में बहुत अहमियत है, जब जहां पे इसकी अहमियत होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप इनवर्स निकालो ना तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है। और जरा लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें लॉग आ रहा होता है, ठीक है। उस वाले फंक्शन को आप क्या बोलोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या जनरल फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स, ये जनरल फॉर्म होती है लॉगरिथमिक फंक्शन की। अगर आप बात करो, क्योंकि ये इसी का इनवर्स है ना, तो ये वही ए है जो यहां पे आपको नजर आ रहा है। तो जो ए की रिस्ट्रिक्शन यहां पे थी सेम वही है यहां पे, ठीक है।
जब इंशाल्लाह मैं आपको इनवर्स फंक्शन अगर मैंने पढ़ाया तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आपने इनवर्स निकाला और आपको लॉगरिथमिक फंक्शन मिल गया। अच्छा जी, और यहाँ पे एक एडिशनल होती है एक्स से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे एक शर्त ये होती है कि जो एक्स है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो जो यहाँ पे वाई का रोल था ना, जब आप इनवर्स लोगे तो जो वाई का रोल था वही यहाँ पे एक्स का रोल बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो वाई पॉजिटिव था, मतलब रेंज पॉजिटिव ही आ रही थी ना, तो यहाँ का जो वाई था वो तब्दील हो गया एक्स में, तो उसका मतलब यहाँ पे जो डोमेन है ना, मतलब जो एक्स वैल्यू है वो पॉजिटिव ही पुट कर सकते हो। लॉग फंक्शन के अंदर आप कोई नेगेटिव वैल्यू एक्स की नहीं पुट कर सकते, या आप जीरो भी नहीं पुट कर सकते, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही पुट करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता दी एक्सपोनेंशियल से आपने इनवर्स निकाला है, तो इनवर्स में जो वाई वैल्यू होती है वो नॉर्मल फंक्शन की एक्स होती है, और जो फॉर एग्जांपल नॉर्मल की वाई है वो इनवर्स की एक्स हो जाती है। जैसे नॉर्मल का जो वाई वैल्यू थी वो इनवर्स की क्या होगी? एक्स वैल्यू होगी। अब जरा सा ग्राफ देख लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको इस टाइप का ग्राफ मिलता है, ठीक है। यहां पे करते हैं, ये पॉइंट कौन सा होता है? 1.0 होता है, मतलब अगर आप इसमें वाई की जगह जीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। अब अगर आप देखो ये पॉजिटिव एक्स पे ही वैलिड है, नेगेटिव एक्स पे ग्राफ वैलिड नहीं है, इवन ये लाइन कभी वाई एक्सिस को क्रॉस भी नहीं करेगी, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स तक ही रहेगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको एक एसिम्प्टोट मिल रहा है, वो एसिम्प्टोट क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस। यहाँ पे एसिम्प्टोट लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर आप ये लॉग फंक्शन उस वक्त बनेगा जब वही जो बेस लॉग की है वो अगर आप 1 से ग्रेटर कुछ पुट करोगे, अगर आप वही 0 और 1 के दरमियान कुछ लॉग की बेस लोगे तो तब आपको ग्राफ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। एसिम्प्टोट अभी भी वाई एक्सिस ही है, ये ग्राफ कब मिलेगा? जब ए आपका 0 और 1 के दरमियान होगा। तो ये बेसिकली आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अगर यहां पे बेस 10 हो तो उसको हम कॉमन लॉग बोल देते हैं, अगर बेस ई हो तो उसको नेचुरल लॉग बोल देते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, 19-20 के फर्क पड़ता है फंक्शन पे, एक जनरल शेप जो है वो लॉग फंक्शन की ऐसे ही रहेगी। तो अगर डोमेन की बात करो यहाँ पे आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, जबकि रेंज की बात करो तो कुछ भी आपके पास आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो बेसिकली डोमेन यहाँ पे था ना, तो डोमेन इसकी कुछ भी रियल नंबर थी, तो यहाँ पे अगर आप इसकी आप रेंज देखो तो वो कुछ भी है। यहाँ पे पॉजिटिव वाई वैल्यू भी मिल सकती है, नेगेटिव वाई वैल्यू भी मिल सकती है, तो डोमेन यहाँ पे है पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज यहाँ पे क्या है? ओवरऑल सब रियल। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की काफी टाइप देखी थी, अब मजीद जो कुछ रह गई है उनको भी जरा पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस देख लिए थे, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर हो गए थे, फिर हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में काम करूंगा कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता दूंगा, क्योंकि हाइपरबोलिक का काम भी काफी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंशाल्लाह हाइपरबोलिक फंक्शन को भी हम देख लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो वो जब हमारा काम आएगा इंशाल्लाह वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यही होते हैं, और फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरी है, एक इवन ऑड फंक्शन की कैटेगरी होती है, तो जरा इवन ऑड फंक्शन को देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन कहते हैं, आई गेस इसको साइन फंक्शन भी बोला जाता है। इसका काम ये होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो ये आपको +1 आंसर दे रहा होगा, अगर आपको नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो ये -1 आपको आंसर देगा, और अगर आप जीरो पुट करोगे तो 0 आंसर देगा, बेसिकली साइन आपको बता रहा होता है। अच्छा, सिग्नम इसका नाम भी है, ठीक है, और इसको साइन फंक्शन भी कहते हैं, साइन वो वाला नहीं, SIGN वाला फंक्शन, ठीक है, और इसको आप SGN करके लिखते हो, ठीक है। ये साइन फंक्शन होता है, लिखने का तरीका होता है, और इसकी खासियत यह है कि अगर आप इसमें कोई नेगेटिव नंबर पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर पुट करता हूं साइन 1.2 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको 1 आंसर देगा। मैं कुछ भी यहां पे पॉजिटिव पुट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल साइन 100 पुट कर दूं, तब भी आपको आंसर 1 देगा, और अगर मैं कुछ नेगेटिव पुट करूंगा तो ये आपको आंसर जो है वो -1 देगा, और अगर मैं इसके अंदर कोई 0 पुट करूंगा तो ये आपको आंसर 0 देगा। बेसिकली जो साइन फंक्शन है ना वो एक किस्म का पीस वाइज फंक्शन है कि वो आंसर आपको 1 देगा उस वक्त जब आपने कुछ पॉजिटिव पुट किया है, आपको आंसर देगा -1 जब आपने कुछ नेगेटिव पुट किया है, और आपको आंसर देगा 0 जब आपने 0 पुट किया होगा। और इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, एक 1 आपको पता होना चाहिए, एक -1 पता होना चाहिए, एक ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे ओपन डॉट है, मतलब अगर आप 0 पुट करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, 0 से, और यहां पे मैं 0 पे फिल डॉट है, इस पे मैं ओपन कर रहा हूं,
ठीक है, क्योंकि जीरो पे आपको आंसर जीरो मिलेगा। जीरो के बाद अगर कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो आंसर आपको वन मिलेगा, अगर जीरो से पहले मतलब कुछ नेगेटिव पुट करोगे तो आंसर आपको माइनस वन मिलेगा। तो इस टाइप का एक पीस वाइज फंक्शन है, इसको भी आप जरा देख लो। अच्छा उसके बाद जो एक और फंक्शन भी होता है कैटेनरी फंक्शन कहते हैं उसको। कैटेनरी फंक्शन ये होता है, बाकी इसके बारे में आप सर्च कर लेना, कि अगर आप कोई रोप हो ना और रोप को आप दो एंड से बांध दो और वो अंडर ग्रेविटेशन जो भी एक कर्व बन रहा होता है, जो रोप का एक पूरा कर्व आ रहा होगा, तो उसकी बेस्ट जो मैथमेटिकल शेप डिस्क्राइब जो करता है ना, उस फंक्शन को आप कहते हो कैटेनरी फंक्शन। और उसके अंदर आपके पास हाँ ये हाइपरबोलिक फंक्शन ही आ रहा होता है। कैटेनरी फंक्शन की फॉर्म क्या है, a cos h x अपॉन a, ठीक है, और इसमें a की वैल्यू आपको ही बता रही होती है। फॉर एग्जांपल आप एक सिचुएशन लेट करो कि दो पॉइंट है जहां से आपने एक रोप को हैंग किया हुआ है, अब रोप की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो रोप इस टाइप की शेप ले लेगी इस टाइप की, ठीक है। तो ये जो रोप की शेप होगी अंडर ग्रेविटेशन, जो रोप पूरी हैंग हुई भी है, इसको जो बेस्ट मैथमेटिकल फंक्शन जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या है, वो कैटेनरी फंक्शन a cos, ये हाइपरबोलिक कॉस है एक्स अपॉन ए, वेर ए जितना ए की वैल्यू कम होती जाएगी ना तो ये आपको थोड़ा करीब नजर आएगा, और अगर ए बड़ा होगा फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप 5 ले लो 10 ले लो जितनी ज्यादा लोगे तो ये खुल जाएगा थोड़ा। फॉर एग्जांपल अगर दो पॉइंट यहां पे हो और सेम ही रोप का आपने हैंग किया हो तो इस टाइप की शेप बन रही होगी, तो ए की वैल्यू के हिसाब से इसकी शेप डिफरेंट हो रही है। तो ये पैराबोलिक शेप नहीं है, ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि किसी ने प्रूफ किया हुआ ये बात, इसकी जो शेप है वो पैराबोलिक पाथ नहीं है, पैराबोलिक शेप नहीं है इसकी, प्रूव हुआ है ये, तो दिखने में लगता है लेकिन एग्जैक्टली है नहीं वो, ठीक है। तो अगर शौक उसके बारे में आपको देख लेना। बाकी बच्चों लीनियर फंक्शन भी होते हैं, लीनियर फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं कि जिनमें जैसे ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ होगा पॉलिनोमियल लीनियर, ये सब मैंने बताया कि अगर वेरिएबल की पावर वन हो तो लीनियर कहलाता है, टू हो क्वाड्रेटिक, ये सब फंक्शन है। लीनियर फंक्शन को जब आप ड्रॉ करते हो तो स्ट्रेट लाइन नजर आती है आपको। अच्छा इसके अलावा कुछ मशहूर फंक्शन है जिनका आप लोगों को शेप पता होनी चाहिए, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है ये x की पावर n, वेयर n की मशहूर कुछ शुरू की वैल्यू दे लेते हैं जो इनके ग्राफ आपको पता होने चाहिए, कि फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास ग्राफ किस टाइप का आएगा, आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ कब है, जब n की वैल्यू 1 होगी, मतलब x की पावर 1 मतलब x, f of x equal to f ग्राफ पता। बिलफर्ज अगर n की वैल्यू 2 होगी तो आपका ग्राफ इस टाइप का होगा, ठीक है, मतलब एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, आपको पैराबोला मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो आपको क्यूबिक फंक्शन मिलेगा इस टाइप का, सही है, एक्स क्यूब मतलब क्यूबिक फंक्शन होता है। आप अगर ऑब्जर्व करो, अगर ऑड पावर होती है तो ये आपको नजर आता है कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, जबकि इवन पावर होती है तो आपको नजर आता है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही होती है। इसी तरह एन की पावर 4 हम ले लेते हैं, जब एन की पावर 4 लोगे ना तो आपको इसी किस्म का फंक्शन मिलेगा, बस हल्की फुल्की इसके अंदर खासियत होगी तो इस टाइप की थोड़ी शेप बन जाएगी, मतलब ये उस वक्त बनेगा जब n की पावर 4 होगी, मतलब x 4 ये उसका ग्राफ होगा। खासियत इसकी ये कि इसका स्लोप ज्यादा होगा, ज्यादा स्टीप होगा, क्योंकि अगर आप इसमें x अगर 1 से ग्रेटर कुछ पुट करोगे ना तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 16, जबकि यहां पर 2 पुट करोगे तो 4 आंसर आएगा, तो बहुत रैपिड बढ़ रहा होगा। और अगर आप इसको 1 से कम कुछ पुट करोगे तो उसका आंसर बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस, कि अगर आप इसके अंदर 0.5 पुट करो, 0.5 का स्क्वायर छोटा होता है, सॉरी 0.5 का स्क्वायर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप इसमें 0.5 पुट करो तो बड़ा छोटा हो जाएगा। तो 1 से पहले आपको नजर आएगा बिल्कुल एक्स एक्सिस से चिपका हुआ ये, लेकिन 1 के फौरन बाद स्टीप हो जाएगा, जबकि 1 के बाद भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आ रही होती, और 1 से पहले भी आपको इस टाइप का नजर आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप इनकी नेगेटिव पावर ले लो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे n की जगह इसको हम मिटा देते हैं, फालतू की जगह घेरी हुई है इसने, फॉर एग्जांपल अगर आप n की जगह इसको मैं नाम लिख देता हूं कैटेनरी फंक्शन है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर n की जगह अगर आप -1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 मतलब 1/x, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, इस टाइप का आपको एक फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा जी ये कब होगा, जब n की वैल्यू -1 होगी। अगर आप n की जगह यहां पे -2 पुट कर दोगे, आपको भी पैटर्न नजर आ रहा है यहां पे, क्वाड्रेंट सबने बांटे में आपस में, अगर आप n की वैल्यू -2 पुट करोगे तो अब आपको इस टाइप का ग्राफ मिल रहा होगा, ठीक है। तो जब n की वैल्यू -2 होगी तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, जब मतलब ऑड होगी तो आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बस हल्का फुल्का फर्क होगा अगर हायर पावर भी आप कर दो तो ग्राफ आपको इसी टाइप का मिल रहा होगा।
बस अब 19-20 का थोड़ा फर्क होगा, वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है x की पावर -1 का, ये है -2 का, ये है -3 का, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये ग्राफ है 1/x का, ये ग्राफ है 1/x² का, ये ग्राफ है 1/x³ का। तो बस हल्का फुल्का फर्क होगा इसके अंदर, वो फर्क ही होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप x बहुत ज्यादा इसके अंदर पुट करोगे तो डिनोमिनेटर और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इसके अंदर कुछ बड़ा नंबर पुट करो और इसके अंदर बड़ा नंबर पुट करो, ये तो बड़े नंबर का क्यूब लेगा, मतलब वो और बड़ा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आप ऑब्जर्व करोगे कि एक थोड़े से अरसे बाद ही ये लाइन एक्स एक्सिस के बड़े करीब आ रही होगी, जबकि ये कुछ देर बाद एक्स एक्सिस के करीब आ रही होगी। मतलब अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं 100 पुट कर रहा हूं तो 1/100 का आंसर क्या होगा 0.01, लेकिन जब मैं यहां पे मतलब एक्स की जगह 100 पुट करूंगा तो 1/100 क्यूब का आंसर तो और छोटा हो जाएगा। तो इस पे लाइन बहुत जल्दी एक्स एक्सिस से मिल रही होगी, ठीक है। ये 19-20 का फर्क नजर आएगा, बाकी तकरीबन शेप इनकी सेम टाइप की होंगी। और इसी तरह अगर आप एन की वैल्यू -4 पुट करोगे, इसके अंदर भी आप रिलेशन ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपको मिलेगा इसी टाइप का ग्राफ, बस हल्का फुल्का आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा, ठीक है। वही बात है, ये ग्राफ किसका हो जाएगा 1/x⁴ का। तो इसके अंदर नंबर पुट करना, इसके अंदर नंबर पुट करना, जमीन आसमान का फर्क है, वो पावर स्क्वायर कर रहा है, पावर फोर कर रहा है उसकी। और इसको हम एक्स लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स फोर है। कहने का मतलब ये वो बेसिक बातें जो हमारे बच्चों को ग्राफ से रिलेटेड नहीं पता होती, तो अगर ये बेसिक बातें आपको पता होंगी तो कैलकुलस में आपकी काफी हेल्प हो रही होगी। उसके बाद जो मेजर टाइप्स हैं जिनसे रिलेटेड काफी पॉइंट आपको पता होने चाहिए, मैंने ऑलमोस्ट आपको सब टाइप्स फंक्शन की बता दी है, बस आखिरी जिनके बारे में मैंने डिस्कस करना है वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। किस फंक्शन को आप इवन बोलते हो, किसको आप ऑड बोलते हो। तो सबसे पहले जरा हम इवन फंक्शन की बात करते हैं, इवन फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन बच्चों ऐसे फंक्शन होते हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करते हैं, बात क्या है कि अगर आप फंक्शन में एक्स की जगह -x पुट करो तो फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन एज इट इज अपनी जगह पे रहता है, उस वाले फंक्शन को आप कहते हो इवन फंक्शन। और ऑड का भी यहां पे देख लेते हैं क्योंकि सेम ही किस्म के पॉइंट्स होंगे इनके। ऑड फंक्शन ऐसा होता है कि जिसके अंदर आप एक्स की जगह पे -x पुट करो और आपको ओरिजिनल फंक्शन तो मिल जाए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मिले, उस वाले फंक्शन को आप कहते हो ऑड फंक्शन। नाम इनके इवन ऑड पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल जो भी मैंने आप लोगों को बताया था f(x)(x)n, अगर n यहां पे ऑड नंबर होगा तो उसको हम कहेंगे वो ऑड फंक्शन बन रहा होगा, जैसे x, x³, x⁵, ये सारे ऑड फंक्शन है। और अगर इवन होगा, फॉर एग्जांपल x², x⁴, x⁶, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा इक्वेशन से भी हम देख लेते हैं कि कैसे इवन होंगे ये। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x)(x²), आप यहां पे क्या करो, आप एक्स की जगह पे -x पुट करो। याद रखो ये जो मैं चीज लिख रहा हूं ना और ये चीज, ये दोनों अलग होती है। एक्स की जगह पे -x पुट करने का मतलब ये जो f(x)(x²) है ये जस्ट एक इनपुट है, एक्स की अपनी औकात कुछ नहीं है, ये जस्ट एक इनपुट है, ठीक है। तो असल में इसका मतलब क्या है, f(input)= input² आप जो भी इनपुट कर रहे हो ना उसका स्क्वायर आपको करना है। तो यहां पे इनपुट आप क्या कर रहे हो, -x, तो आपको -x का स्क्वायर करना है। जबकि स्टूडेंट ये कर देते हैं इसका मतलब अलग है, इसका मतलब है कि आपने x का स्क्वायर किया और उसके साथ नेगेटिव लगाया, ये बात नहीं है, पूरे -x का आपको स्क्वायर करना होगा। तो जब स्क्वायर करके फारिग हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² ही रहेगा। इसका मतलब आपने फंक्शन में -x पुट किया, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई, एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। मजीद एग्जांपल आप ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्या आपने देखा होगा कॉस फंक्शन को। ट्रिग्नोमेट्री में आपने बात पढ़ी होगी कि अगर आप कॉस के अंदर नेगेटिव पुट करो, कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव को इग्नोर कर देता है और एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद। फॉर एग्जांपल आप कॉस 30 डिग्री निकालो और आप कॉस -30 डिग्री निकालो, दोनों के आंसर सेम होते हैं। तो अगर कॉस के एंगल में आपको नेगेटिव नजर आए तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो, वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसके। तो कॉस -x = cos x, तो अगेन वही बात, फंक्शन के अंदर आपने -x पुट किया, फंक्शन को कोई असर नहीं पड़ा, अगेन इवन फंक्शन है। और अब जरा ऑड फंक्शन भी देख लेते हैं। ऑड फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल की, वो है f(x)(x³) की बात कर लेते हैं। चलो अब अगर आप इसमें x की जगह पे -x पुट करोगे तो -x का क्यूब होगा -x³, माइनस का क्यूब माइनस और x का क्यूब x³। अब देखो फंक्शन के अंदर जब मैंने -x पुट किया था तो ओरिजिनल फंक्शन तो आ गया, x³ ओरिजिनल तो आ गया, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया है। ओरिजिनल फंक्शन आपको मिलना जरूरी होता है, ओरिजिनल फंक्शन तो मिल गया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया, दैट्स व्हाई आप इसको क्या बोलोगे, ये ऑड फंक्शन है।
इसी तरह अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करो तो साइन और टेंजेंट दोनों के अंदर ये चीज होती थी कि जब आप x की जगह पे नेगेटिव x पुट करते हो, मतलब साइन या टेंजेंट के अंदर अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव बकायदा बाहर आता है। कैसे ऑब्जर्व करोगे? आप कैलकुलेटर में पुट करो साइन 30 डिग्री, कैलकुलेटर आंसर देगा 1/2। आप कैलकुलेटर में पुट करो साइन -30 डिग्री तो वो माइनस बाहर आएगा और साइन 30 का आंसर क्या होता है 1/2, तो वैल्यू आपको मिलेगी -1/2। तो साइन और टेंजेंट दोनों में यही चीज होती है। तो अगेन ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आ गया लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो ये भी क्या होता है ऑड फंक्शन। तो साइन फंक्शन हो गया, टेंजेंट हो गया और इनके रेसिप्रोकल मतलब कोसेक और कॉट ये भी ऑड फंक्शन होते हैं। इसी तरह कॉस इवन है तो इसका रेसिप्रोकल सेक जो है वो भी इवन है। अच्छा कुछ कॉम्बिनेशन भी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए, आपको बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये दे दीजिए और बोले कि बताओ अब क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, चेक करो। सेम प्रोसेस होगा, आप माइनस एक्स पुट करोगे, यहां पे भी सॉरी कॉस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। अगेन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। और इसी तरह इसमें भी आपसे पूछी जा सकती है बात, कोई कॉम्बिनेशन आपको बना दें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो अगेन आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, ठीक है, मजीद सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब देखो ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन लाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप देखो आपके पास एज इट इज ओरिजिनल फंक्शन आ गया विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। तो कॉम्बिनेशन भी आ सकती है और ये प्रॉपर्टीज भी यहां पर गूगल पे मिल जाएंगी कि जब भी आप दो ऑड फंक्शन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट में ऑड ही आएगा, दो इवन फंक्शन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट में इवन ही आएगा। अगर आप एक इवन एक ऑड लोगे ना तो रिजल्ट में नाइदर आएगा। जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन इवन हो या ऑड हो, तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है कि इवन दोनों में से कुछ नहीं है, नाइदर है वो। और वो ज्यादातर कब आएगा? फॉर एग्जांपल आप एक इवन फंक्शन लो और आप एक ऑड फंक्शन लो, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको पता है कॉस एक इवन फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है, तो अब जो इनका कॉम्बिनेशन है ना वो ना इवन होगा ना ऑड होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? वो आप जब माइनस एक्स पुट करोगे एक्स की जगह पे तब आपको आइडिया हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखो ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं आया आपके पास, अगर आप माइनस कॉमन लेना चाह रहे हो ताकि ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो माइनस कॉमन लेने के बाद भी आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं आया, इसका मतलब इस केस में ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं आना भाई। ओरिजिनल फंक्शन अगर पॉजिटिव के साथ आए तो इवन, नेगेटिव के साथ आए तो ऑड, लेकिन यहां पे ओरिजिनल फंक्शन आ ही नहीं रहा एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि भाई ना ये इवन है ना ये ऑड है, ये नाइदर है, ना इवन ना ऑड। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को काफी एग्जांपल दे दिए। अब जरा इनका जो दूसरा पॉइंट है उसको जरा समझो, वो ये है कि जो इवन फंक्शन होते हैं ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक होते हैं। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस के अराउंड ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह समझो इसको कि मैथमेटिकल अंदाज भी है कि अगर इसके ऊपर एक्स वाई पॉइंट होगा तो फिर माइनस एक्स कॉमा वाई भी इसी ग्राफ के ऊपर होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा लॉजिकल समझा रहा हूं। एक ग्राफ में आपको बताता हूं मजीद अच्छा समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आपने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक इवन फंक्शन का ग्राफ है। अगर आप ऑब्जर्व करो, कंसिडर कर लो वाई एक्सिस जो है ये एक किस्म का मिरर है। अगर आप अपने सामने मिरर रखते हो इस तरीके से वर्टिकली तो आपको ये नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिरर को इस तरीके से देख रहे हो तो आपको नजर आता है कि मिरर के पीछे आप इस तरीके से देख रहे हो, मतलब आप इस तरह देख रहे हो और मिरर के पीछे भी आप खड़े हो जो इस तरह देख रहे हो, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन आपकी पड़ रही है पूरी। तो कंसिडर करो मिरर एक वाई एक्सिस है, जो इस तरफ चीज है एग्जैक्टली उसकी रिफ्लेक्शन सामने है, तो वही कंसिडर करो। अगर आप एक्सिस वाले ग्राफ को देखो तो कंसिडर कर लो वाई एक्सिस की इस तरफ ये चीज है, तो जो वाई एक्सिस की इस तरफ है सेम वाई एक्सिस की उस तरफ भी आपको नजर आ रहा है। कंसिडर कर लो अगर ये आप खड़े हो और इस तरफ टेढ़े हो रहे हो, मैं टेढ़ा हो नहीं सकता, टेढ़े हो खड़े हो के आप देख रहे हो तो एग्जैक्ट आपको शीशे के उधर भी लगेगा कि आप इस तरह खड़े हो। तो सिंपल लैंग्वेज में
रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू y। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर मैं ये पेपर है और पेपर को मैं ये पूरा पेपर है ना मैं इसको फोल्ड करता हूं तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा ये पूरी चीज इसके ऊपर एज इट इज आके बैठ जाएगी। मतलब ये पूरा कर्व है जब फोल्ड करूंगा तो एज इट इज इसके ऊपर पूरा आ रहा होगा। सर अभी आप समझ सकते हो। तो जो भी इवन फंक्शन होते हैं चाहे एक्स स्क्वायर है, इसी तरह आप कॉस का ग्राफ देख लो, कॉस में भी आप देखोगे वाई एक्सिस किस तरफ जो है और वाई एक्सिस किस तरफ जो है वो एज इट इज सेम है बिल्कुल। वो सब क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। और अगर आप ऑड की बात करो, ऑड फंक्शन में क्या होता है? तो भाई ऑड फंक्शन के अंदर ये होता है कि वो सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ओरिजिन की सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ओरिजिन की सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर दो तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है? तो अगर आप इसमें देखो, अब आप ये और रोटेट करोगे तो आपको बात समझ आएगी, वरना समझना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा कि आपको 180 डिग्री रोटेट करना है। इस तरह पूरा 180 डिग्री आपने रोटेट किया, मतलब कंसीडर कर लो कि ये अगर एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, तो आपने इसको 180 डिग्री रोटेट करना है। सबसे पहले अगर आप 90 डिग्री रोटेट करो फिर देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वाई जो है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वाई रोटेट होके यहां पे आ जाएगा और ये एक्स रोटेट होके यहां पे आ जाएगा, और जो आपका पहला ग्राफ इस तरह बन रहा था अब वो इस तरह बन रहा होगा 90 डिग्री रोटेट करने का। थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करो ना कि 90 रोटेट किया तो फंक्शन उठ के इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? और जो नीचे वाला है वो इधर चला जाएगा, ठीक है? ये 90 डिग्री आपने रोटेट किया, उसके बाद फिर अगर 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाई उठ के यहां पर आ जाएगा और ये एक्स उठ के यहां पे आ जाएगा। ये जो ग्राफ आपको मैं इस तरह बना हुआ था ये एग्जैक्टली इसके ऊपर बन जाएगा, और जो नीचे बना हुआ था ये एग्जैक्टली इसके ऊपर बन जाएगा। मतलब 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है। तो यही बात आपको साइन फंक्शन के अंदर भी नजर आएगी, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, वो भी सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये मतलब होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक होना। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इवन फंक्शन का ग्राफ है और उसके ऊपर एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा वाई उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो सेम उस ग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट भी होगा जो होगा माइनस एक्स कॉमा वाई। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ देखा, इसमें अगर आप 2 पुट करोगे आपको आंसर 4 मिलेगा, और अगर आप माइनस 2 पुट करोगे तब भी आंसर आपको 4 मिलेगा। तो अगर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई तो माइनस एक्स कॉमा वाई भी उस ग्राफ के ऊपर होगा, क्योंकि एक एक्स है एक माइनस एक्स है, दोनों की जो वाई वैल्यू आपको सेम ही मिल रही होती है। तो अगर x, y है तो माइनस एक्स कॉमा वाई भी उस ग्राफ के ऊपर होगा। और अगर आप ऑड फंक्शन में देखोगे कि अगर x, y उस ग्राफ के ऊपर है तो फिर माइनस एक्स माइनस वाई उस ग्राफ के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को देखो, इस पर एक पॉइंट होगा, अगर आप 2 पुट करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर आप आंसर अगर माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 8 मिलेगा, ठीक है? अगर आप इसके अंदर 2 पुट करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और अगर माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 8 मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपने एक्स वाई पुट किया, अगर एक्स वाई ग्राफ के ऊपर है तो फिर माइनस एक्स माइनस वाई भी उसी ग्राफ के ऊपर होगा। ये ऑड फंक्शन की खासियत होती है। तो तीसरा पॉइंट आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना इसको। तो इवन एंड ऑड फंक्शन बेसिक लेवल की अगर आप बात करो तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ये पॉइंट्स पता है, इंशाल्लाह जब दोबारा कभी ये टॉपिक आएगा आप लोगों के लेवल पे शायद नहीं आएगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी आते हैं इवन ऑड फंक्शन, तो इंशाल्लाह फिर कभी और मजीद इसको देख लेंगे। लेकिन अभी बेसिक लेवल पे आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए इवन एंड ऑड फंक्शन से रिलेटेड। तो बच्चों हमारे पास सारे फंक्शन, अच्छा एक बात, एक पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पे मैं एक रिकमेंड कर दूं कि जितने मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए भी है, इसमें मेजोरिटी जो फंक्शन है इन सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया, और भी ऐसे फंक्शन है जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया, इंटरमीडिएट लेवल के जिनके इतना खास आगे काम नहीं है। तो अगर आप उनको देखना चाहो तो मेरे चैनल पे फंक्शन का पोर्शन है, प्लेलिस्ट अपलोड है, वहां पे भी आप देख सकते हो। बहरहाल जो मुझे एक पॉइंट बताना था कि वो ये है कि अगर इवन फंक्शन के अंदर आप किसी कांस्टेंट को ऐड करते हो तो वो अभी भी इवन ही रहता है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं अगर ग्राफ के अंदर कुछ ही भी, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स स्क्वायर है ना, मैं अगर एक्स स्क्वायर के अंदर 1 ऐड करूंगा तो ग्राफ पे फर्क क्या पड़ेगा? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी इधर है तो ये अभी इधर चला जाएगा, कहीं कंसीडर कर लो इस तरह हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा अगर मैं एक्स स्क्वायर के अंदर 1 ऐड करूं। तो जब ये ऊपर जाएगा
अभी भी तो सिमेट्रिक रहेगा ना विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये दोनों ऊपर जाने के बाद ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर कोई इवन फंक्शन है उसके अंदर आप किसी कॉन्स्टेंट को एड करते हो तो वो जस्ट ऊपर जाता है, सिमेट्री अभी भी रहेगी उसकी, ठीक है। और अगर आप इक्वेशन फॉर्म में भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप बेशक इसमें x की जगह पे माइनस x पुट कर दो, दोबारा आपके पास वही चीज आ रही होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इवन फंक्शन को अगर आप कुछ कांस्टेंट ऐड करो। ये चीज कॉस के अंदर भी है, कॉस के अंदर भी अगर आप किसी कांस्टेंट को ऐड कर दो तो वो इवन ही रहेगा। और अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड के अंदर जब आप वन ऐड करते हो या कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड करते हो तो फिर वो ऑड नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है क्यूबिक फंक्शन, इसके अंदर आप वन ऐड करो, ये एक फंक्शन था, ठीक है। अब मैं x की जगह पे माइनस x पुट करता हूं, ये हो जाएगा माइनस x का क्यूब प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस वन। अब आप कुछ भी कर लो ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, आप ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, आप बेशक माइनस कॉमन ले लो तब भी आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं आएगा, मतलब ये नाइदर बन जाएगा। इसका मतलब ऑड फंक्शन के अंदर अगर कुछ नंबर को एड करोगे तो फिर वो ऑड नहीं रहेगा, ओरिजिन की सिमेट्री उसके अंदर खत्म हो जाएगी।